At first, good afternoon to all of you. In the previous class, we are discussing about the offense. In that class, I have dealt that according to the law, if any act causes violation of right of other and causes harm to other, it is known as offense. अपराध या क्राइम क्या होता है? अगर किसी भी कार्य से किसी के अधिकारों का हनन होता हो या किसी का नुकसान होता हो, कोई टॉर्चर होता हो, this violation या this harm may be physical, mental, economical and social. नुकसान कहने का और हार्म कहने का सिर्फ इतना मतलब नहीं होता है कि कोई जो है वो आर्थिक रूप से हो सकता है उस इंसान को हार्म किससे हो, मानसिक रूप से हुआ हो, शारीरिक रूप से हुआ हो, सामाजिक रूप से हुआ हो, आर्थिक रूप से हुआ हो. अगर किसी भी कार्य से किसी भी इंसान के आर्थिक, सामाजिक, मानसिक चीजों पर प्रभाव पड़ता हो, उसको नुकसान होता हो और उसके अधिकारों का हनन होता हो, वही अपराध होता है. In the classification of offense, we have seen that the first type of offense was according to the bail. Bail के आधार पे. तो मैंने bail बताया था कि एक written argument होता है, एक लिखित सहमति पत्र होता है जिसमें इस बात की पुष्टि की जाती है कि जब भी इस आरोपी को, जब भी इस व्यक्ति को कोर्ट में जरूरत होगी पेश होने का, तो वो आएगा और अपनी गवाही प्रस्तुत करेगा. एक रिटेन जो होता है, एक सहमति पत्र होता है. तो उसके आधार पे आपका ऑफेंस दो टाइप का होता था. दैट वाज द बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस. जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध. मतलब उस प्रकार के अपराध, उस प्रकार के एक्ट जिसमें बेल मिल सकता हो, जमानत मिल सकता हो, उसको हम लोग कहते थे बेलेबल ऑफेंस. एग्जाम्पल मैंने आप लोग दिया था, अगर मिसकैरेज हो जाता है, अगर डेथ ड्यू टू रैश, अनजाने में किसी की डेथ हो जाती है. और दूसरा था आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि जिसमें बेल ग्रांट नहीं हो सकता है, लेकिन वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है जज के सामने, वो कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, वो कर सकता है, या अपराधी कर सकता है, या उसका वकील कर सकता है. लेकिन बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. लेकिन अगर आपका ऑफेंस है बेलेबल, तो उसमें बेल प्राप्त करने का अधिकार उस व्यक्ति को होता है. नेक्स्ट, अदर टाइप ऑफ ऑफेंस इज वारंट केसेस. तो हम लोग वारंट केसेस किसको कहते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा वारंट किसको कहते हैं या समन किसको कहते हैं. तो वारंट एक आदेश होता है. वारंट क्या होता है? एक आदेश होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति को, एक ऑफिसर को दिया गया एक आदेश होता है कि आपको एक काम करना है. और सम्मन क्या होता है? सम्मन एक नोटिस होता है. आगे मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज द सम्मन. तो वारंट केसेस कैसे केस होते हैं? ऑफेंस, द ऑफेंसेस जिसमें क्या सजा मिल सकती है, डेथ की सजा मिल सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा मिल सकती है, या इंप्रिजनमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 years. तो कहा जाता है इसमें कि इट इज रिलेटेड टू द ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट और इंप्रिजनमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 years. तो वैसे से जैसे इसमें क्या क्या इसके एग्जाम्पल में आता है, तो इसके एग्जाम्पल में आता है आपका मर्डर, मर्डर, आपका डाउरी डेथ, अटेम्प्ट टू मर्डर. दिस टाइप ऑफ केसेस बिलोंग्स टू द वारंट केसेस. केसेस अदर देन वारंट केसेस आर नोन एज द समन केसेस. समन इज द लीगल नोटिस इशूड बाय द कोर्ट. ओके, एंड दिस इज द, यह का आदेश होता है कोर्ट के द्वारा किसी भी अधिकारी को दिया जाने वाला एक आदेश होता है. नेक्स्ट कम द समन केसेस. तो हम लोग कहते हैं समन केसेस में द केसेस अदर देन द वारंट केसेस आर नोन एज द समन केसेस. केसेस अदर देन वारंट केसेस यानी कि मर्डर को छोड़ के, डाउरी डेथ को छोड़ के, अटेम्प्ट टू मर्डर को छोड़ के, और ऐसे सीवियर और पनिशेबल क्राइम को छोड़ के, जो भी आपके आपके
ऑफेंस है किसमें आते हैं आपके, समन केस में आते हैं। जैसे एग्जांपल में हम कहते हैं अटेम्प्ट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड कॉजिंग मिसकैरेज, डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंसी, तो इसको हम लोग कहते हैं समन केसेस। अब वारंट के बेस पे हम लोग देखेंगे, वारंट के बेस पे केस कितने तरीके का हो सकता है। तो एक आपका होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, व्हाट इज द कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो व्हाट इज द कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो ऑफेंस इन विच ए पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। वैसे केसेस जिसमें एक पुलिस अधिकारी को, एक पुलिस पर्सन को किसी भी व्यक्ति को पकड़ने के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती है, उसको कोर्ट के द्वारा आदेश की जरूरत नहीं है, उस प्रकार के केसेस को हम लोग क्या कहेंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं।